आज मैंने सोचा, मैंने डिनर को तैयार कर दिया तो मेरे पास टाइम बच गया। मैंने सोचा कि चलो आज कोई ड्रिंक बनाते हैं। ड्रिंक में मैंने सोचा चलो आज आम का सीजन है तो आम रस बनाते हैं, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है। हर एक घर में, जाहिर सी बात है, हर घर में आम अवेलेबल होगा। चाहे कोई भी आप आम खाते हो जो आपको पसंद हो, तो आम होगा ही, तो झटपट ये तैयार हो जाएगा 2 मिनट में। आप आराम से चाहे तो ये आप इसको ड्रिंक के उसमें भी पी सकते हैं, और आप चाहे तो इसको पूड़ी या रोटी से भी खा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मुझे देखिए, पहले मैंने 2 आम को, मीडियम साइज का आम था, कोई भी आम होगा, कपूरी, दशहरी, जो भी हो, मिले अवेलेबल ईजी वे में, आप उसको ले लीजिए। मैंने इसको पीस में कट कर लिया है। शुगर मैंने लिया है 2 चम्मच। शुगर आपको लेना है आम के अकॉर्डिंग। अगर आपका आम बहुत ज़्यादा मीठा है तो शुगर कम लेना है, अगर आपका मतलब आम बहुत मतलब कम मीठा है तो शुगर ज़्यादा लेना है। ठीक है, ये मैंने 2 इलायची ली है, 2 छोटी छोटी। आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर ले लीजिए। ये मैंने ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम को चॉप कर लिया है महीन महीन। आप अगर चाहे तो कोई भी गार्निश के लिए कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया है ठंडा, आप चाहे तो इसके अंदर पानी का यूज़ कर सकते हैं अगर मिल्क नहीं अवेलेबल है तो। और ये 1 कप मेरा मिल्क है। तो अब चलिए इसको मैं सारी चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब देखिए, मैं 1 बाय 1 करके, पहले मैंने जो पीस काट रखी थी आम की, वो मैंने मैंगो इसमें ले लिया है। फिर मैंने इसमें, अगर आपको इसको ड्रिंक के फ्लेवर में बनाना है तो आप इसमें आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको पराठे या पूरी के साथ सर्व करूँगी, तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने लिया है। क्योंकि बारिश हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा आम का, तो मैंने बहुत सारी वैरायटी वैरायटी के ड्रिंक बनाए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट आपके साथ भी शेयर करते हैं। रेसिपी आपके साथ शेयर करना और बारिश का मज़ा लेना है इस रेसिपी के साथ। ओके, मिलते हैं इसको अच्छे से ग्राइंड करके। तो अब देखिए, ये बेहतरीन सी रेसिपी आप सबके सामने रेडी है, आप सब इसको एंजॉय कीजिए। अब मैं इसको पराठे के साथ बारिश में बैठ के विंडो पे मैं एंजॉय करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, इस बारिश में मज़ा लीजिए इस नई रेसिपी का। आप लोगों ने ड्रिंक के फ्लेवर में बहुत पिया होगा, आपने आम का बहुत सारे फ्लेवर, बट इसमें पराठे या पूरी के साथ अब नई रेसिपी है। नए सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आजकल आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने हमारी कौन कौन सी रेसिपी ट्राई की है और आपको कैसा लगा।